हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कैसे हम एमएस एक्सेस में दोस्तों क्वेरी के हेल्प से एडिशनल परसेंटेज और एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों करेंगे विंडो के साथ आर, और यहाँ दोस्तों टाइप करेंगे एमएस एक्सेस, और यहाँ पर करेंगे दोस्तों एंटर प्रेस। यहाँ से दोस्तों जाएंगे ब्लैंक डाटाबेस पे, और यहाँ से कर देंगे क्रिएट। और दोस्तों इस पे टेबल वन पे करेंगे हम क्लिक, और यहाँ से जाएंगे दोस्तों डिजाइन व्यू में, और यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको टेबल का नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से कर देंगे क्लिक ओके। और दोस्तों यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी टेबल। अगर दोस्तों आपको टेबल सीखनी हो डिटेल में तो मैंने भी उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने दोस्तों उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे जल्दी टेबल को बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लेंगे सबसे पहले रोल नंबर, यहाँ पे दोस्तों लेंगे स्टूडेंट का नेम, दोस्तों जो हमारा नेम होता है वो टेक्स्ट में होता है, और यहाँ पे लेंगे दोस्तों क्लास कि स्टूडेंट हमारा कौन से क्लास में है, तो ये भी दोस्तों हमारा टेक्स्ट में होगा। और दोस्तों इसमें जो कि हम डाटा देते हैं उसमें तो हमारी क्लास सबकी सेम होती है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं फिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रही होगी डिफॉल्ट वैल्यू में, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों अगर आप क्लास 10th का बना रहे हैं तो यहाँ पे 10th लिखिएगा, अगर 7th का जो भी आप क्लास बना रहे हो दोस्तों यहाँ पे वो क्लास आप लिख दिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10th क्लास, फिर से एंटर दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा आपके सब्जेक्ट के नेम, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सब इंग्लिश लेते हैं। और दोस्तों ये इंग्लिश होगा हमारा नंबर में, इसलिए कि दोस्तों ये नंबर में देंगे हम नंबर्स को। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे फील्ड को एंटर कर लिया है, जैसे कि ये कुछ हमारे सब्जेक्ट के नेम है, और यहाँ पे मैंने दोस्तों उनका टोटल ले रखा है और एवरेज और परसेंटेज। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज, और यहाँ से कर देते हैं अपनी फाइल को सेव, और यहाँ पे करते हैं फिर से क्लिक, और यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक, और यहाँ पे करेंगे ओपन। तो अब देख सकते हैं कि जो दोस्तों हमने टेबल बना रखी थी वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे दोस्तों क्लास जो हमने लगाई थी ये ऑटोमेटिक आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करते हैं टैब प्रेस, और जो भी आपका स्टूडेंट की डिटेल हो उसे कर लेते हैं फिल। सब्जेक्ट का नाम दोस्तों एंटर कर लेते हैं 100 में से, अब दोस्तों बारी हमारी यहाँ पे टोटल की। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से क्रिएट में, और यहाँ से जाएंगे दोस्तों क्वेरी डिजाइन, और यहाँ पे दोस्तों कह रहा है टेबल वन, तो यहाँ से कर देते हैं इसको ऐड, और यहाँ से कर देते हैं इसे क्लोज। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से दोस्तों इसे कर देते हैं अपडेटेड में, और यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है ये फील्ड मतलब किस फील्ड पे वर्क करेंगे, मतलब हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं दोस्तों टोटल चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे दोस्तों आपको जिसमें भी कैलकुलेशन करनी है वो फील्ड यहाँ पे आएगी, मतलब हम यहाँ पे अभी टोटल कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे टोटल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे अपडेटेड टू पे दोस्तों राइट क्लिक करिएगा, और यहाँ से जाइएगा बिल्ड में, और यहाँ पे दोस्तों आपका एक पॉपअप खुल के ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम जाएंगे दोस्तों टेबल में, यहाँ से जाएंगे दोस्तों टेबल वन में, और दोस्तों हमें इस फील्ड में क्या करना है टोटल में, हमें यहाँ दोस्तों हमें इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस, और यहाँ पे दोस्तों आएगा कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम कर देंगे इसे ओके, और यहाँ से कर देंगे फिर से इसे क्लोज, और यहाँ से कर देंगे यस। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपको क्वेरी का नाम देना है उसको दे सकते हैं, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो अब देख सकते हैं कि हम अपने टेबल पर वापस आ चुके हैं, और दोस्तों यहाँ पे हमारा सम अभी भी नहीं आया हुआ है, तो सिंपली आप इस क्वेरी पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, और यहाँ से करेंगे दोस्तों इसको ओपन। तो आपके सामने पॉपअप
ओपन होगा दोस्तों, और यहां से कर देंगे इसे क्लिक यस, और यहां से भी कर देंगे दोस्तों इसको यस। जब दोस्तों आप इसको यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारा ऑटोमेटिक टोटल होके आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो हम एक और फील्ड लेके यहां पे दोस्तों कर लेते हैं चेक। यहाँ दोस्तों लेते हैं एक और फील्ड, यहाँ पे दोस्तों ले लेते हैं एक और रिकॉर्ड, जैसे कि नाम लेता हूँ स्टूडेंट का, और यहाँ पे दोस्तों उसके सब्जेक्ट एंटर कर देते हैं। दोस्तों हमको यहाँ पे फिर से उसका टोटल चाहिए, तो फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पे जाएंगे करेंगे क्लिक, और फिर से राइट क्लिक, और यहाँ पे करेंगे ओपन, और फिर से यहाँ दोस्तों कर देंगे इसको यस। फिर से आप यहाँ पे अगर कर्सर रखेंगे तो यहाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बारी हमारे परसेंटेज और एवरेज की, तो चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों करेंगे फिर से क्लिक, और यहाँ से जाएंगे दोस्तों डिजाइन व्यू में, और दोस्तों यहाँ पे एक और फील्ड हम क्रिएट करेंगे जो कि दोस्तों हमारा है परसेंटेज का। ओके फ्रेंड्स, और फिर से यहाँ पे करेंगे अपडेटेड टू में क्लिक, और यहां पे करेंगे राइट क्लिक, और यहां पे करेंगे दोस्तों बिल्ड में, यहां पे दोस्तों क्लिक करेंगे फिर से टेबल्स में और टेबल वन, और दोस्तों यहां पे हमें चाहिए पूरे सब्जेक्ट का टोटल, और डिवाइडेड बाय दोस्तों 500, इसलिए कि हमारा ई सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, और इनटू 100। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे करते हैं अपना ब्रैकेट स्टार्ट, और यहां पे करते हैं इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर, और ब्रैकेट करते हैं यहां से क्लोज, और डिवाइडेड बाय 500 और इनटू 100, और यहां से कर देते हैं दोस्तों क्लिक ओके, और यहां से करते हैं फिर से इसे क्लोज, और यहां से कर देंगे यस। और दोस्तों फिर से सेम प्रोसेस, इस पे करेंगे क्लिक, फिर से राइट क्लिक और ओपन, यहां से कर देंगे यस, फिर से यस। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारी परसेंटेज दोस्तों आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बारी हमारे एवरेज की, तो चलिए एवरेज निकालते हैं। फिर से यहां पे करेंगे क्लिक, यहां से जाएंगे दोस्तों डिजाइन व्यू में, और फिर से यहां पे दोस्तों हमें क्या निकालना है एवरेज, तो यहां पे करेंगे एवरेज को सिलेक्ट, और फिर से यहां पे राइट क्लिक, और यहां से जाएंगे दोस्तों बिल्ड में, यहां दोस्तों जाएंगे फिर से टेबल्स में, फिर से टेबल वन, यहां पर दोस्तों ई सब्जेक्ट को हम ले लेंगे, जैसे कि इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर, और दोस्तों डिवाइड बाय जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उतने, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट हैं 5, तो डिवाइड बाय 5, और क्लिक ओके। फिर से करते हैं यहां से क्लोज, और इस वाला को करते हैं सेव। फिर से दोस्तों हम करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक, यहां से करेंगे ओपन, और यहां से कर देंगे यस, फिर से यस। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एवरेज भी आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, करते हैं दोस्तों उसको एंटर, और फिर से लेते हैं कोर वैल्यू कुछ भी, यहाँ पे दोस्तों लेते हैं अपने मार्क्स, फिर से दोस्तों करते हैं यहाँ पे क्लिक, फिर से राइट क्लिक, यहां से करेंगे ओपन, और यहां फिर से यस। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पे हमारा रिकॉर्ड आ चुका है, टोटल परसेंटेज और एवरेज। ओके फ्रेंड्स, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड हैव अ नाइस डे।